गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं यूनिट वन का दूसरा लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं बता दूँ कि इसके पहले वाला लेक्चर में मैंने यूनिट वन के पांच टॉपिक कवर कराए थे। जो शेष रह गया है मैं उसको इस यूनिट में कवर कराऊँगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो अपने साथ आप सिलेबस को साथ में रखिए और प्रीवियस ईयर पेपर को भी साथ में रखिए, क्योंकि मैं जो भी टॉपिक कवर करा रहा हूँ वो बिल्कुल सिलेबस में जो लिखा हुआ है मैं उसी को डिस्कस कराता हूँ यहाँ पे, और उससे क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं उसको यहाँ पर कनेक्ट कराता हूँ। तो अगर आप अपने साथ सिलेबस में रखेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। आज के लेक्चर में मैं इसे पूरा एंड करा दूंगा यूनिट वन को। आइए स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक हमारा है टॉपिक सिक्स, मानवीय मूल्य के महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन से उपदेश से प्राप्त शिक्षा। इसमें फ्रेंड्स, हमें किसी भी दो या तीन महान व्यक्ति को जिससे आप प्रभावित हो उनके संबंध में आपको जानना होता है। उनके जो सिद्धांत हैं, उनके जो उपदेश हैं और मूल्य से आप कैसे प्रभावित हैं, उसकी वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है और वर्तमान समस्याओं के समाधान में वो कैसे सहायक है, इसके बारे में जानना होता है आपको। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप 50 या 60 या जितने भी महान नेता हैं सबके बारे में जानिए, आप जिससे प्रभावित हैं उसके बारे में जानिए आप, और उससे रिलेटेड जो भी उसके कुछ कोटेशन वगैरह हैं या जो भी सिद्धांत है उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, और ये देख लीजिए कि उसका आज के संदर्भ में प्रशासन में क्या यूज है और आपके जीवन में क्या वो यूज, कैसे यूजफुल है वो, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। तो जैसे कि एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, अब्राहम लिंकन, कलाम, जो भी जिससे भी अभी प्रभावित हैं उसके बारे में आप जान लीजिए। जैसे कि मैं विवेकानंद से प्रभावित हूँ तो उनके कुछ कोट्स हैं जैसे कि ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनी थिंग एंड एवरी थिंग, बिलीव इन डेट। इसके अलावा जीव की सेवा ही शिव की सेवा है, इसी तरह महिला कल्याण, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, आत्मबल पर जोर, इत्यादि इनके कुछ बेसिक सिद्धांत थे। तो दोस्तों, मैं इससे काफ़ी प्रभावित हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सिविल सेवा की भी तैयारी जब मैं कर रहा हूँ तो कभी भी दिमाग में नेगेटिविटी आती है तो इनका यह कोटेशन मुझे हमेशा मोटिवेट करता है। इसके अलावा प्रशासन में भी इनके बहुत से जो है, जैसे कि महिला कल्याण, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, आत्मबल, ये सारे पॉइंट कहीं ना कहीं आज के प्रशासन में भी यूज है। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग जो आप जिससे आप इम्पैक्ट प्रभावित हो आप उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जैसे कि मैं बता रहा हूँ दोस्तों, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ये 2014 का क्वेश्चन है, कि जीवन में नैतिक आचरण के संदर्भ में आपको किस विख्यात व्यक्तित्व ने सर्वाधिक प्रेरणा दी है, उनकी शिक्षाओं का सार प्रस्तुत कीजिए और विशिष्ट उदाहरण देते हुए बताएं कि कैसे आपको लाभ हुआ है। तो दोस्तों, जस्ट यही क्वेश्चन है, इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है वो। और दोस्तों, मैं एक आप बात बताना चाहता हूँ, जब भी आप एग्जाम्पल दें तो बिल्कुल प्रैक्टिकल हो, जो आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए, जो आप पे बीता हो बिल्कुल वैसा कोई एग्जाम्पल होना चाहिए जिससे कि वो कॉपी चेक करने वाले को ज़्यादा ज़्यादा प्रभावित कर सके। आते हैं आगे दोस्तों, अगला टॉपिक है आपका टॉपिक सेवन, मूल्य मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज एवं शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस टॉपिक में मूल्य के बारे में जानना होता है कि मूल्य क्या है। तो दोस्तों, मूल्य का तात्पर्य वह भौतिक वस्तु या मानसिक अवस्था से है जिसके द्वारा मनुष्य की इच्छा की तृप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, मतलब कोई भी भौतिक वस्तु भी हो सकता है या कोई मानसिक अवस्था हो सकती है जिस जो आपकी इच्छाओं को तृप्त करता हो, जिससे आप सेटिस्फाइड होते हो, वही मूल्य या वैल्यूज, उसी को बोलते हैं हम लोग। इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला आपका साध्य मूल्य और दूसरा साधन मूल्य। तो दोस्तों, पहले हम आते हैं साधन मूल्य में, फिर आएंगे साध्य मूल्य में। तो साधन मूल्य वे मूल्य जो अंतिम रूप से साध्य ना होकर साधन के रूप में प्रयुक्त हो, इसे बाह्य मूल्य भी कह सकते हैं। यह समय एवं परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, एग्जाम्पल धन, संपत्ति, मनोरंजन। दोस्तों, साधन मूल्य का तात्पर्य सिंपल है कि साध्य मूल्य को प्राप्त करने के लिए जिसका आप यूज कर रहे हो वही साधन मूल्य है। और दोस्तों, ये व्यक्ति दर व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन और टाइम टू टाइम वेरी करता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे कि बचपन में हमारे लिए खिलौने काफ़ी महत्व के थे, हम खिलौनों के प्रति काफ़ी आकर्षित थे, बचपन में खिलौना ही हमारा वैल्यूज था। लेकिन आज के संदर्भ में देखें तो हम बड़े हो गए हैं, खिलौना हमारे लिए मायने नहीं रखता है। तो कहीं ना कहीं वैल्यूज बदल रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है आपके लिए धन संपत्ति आपके लिए वैल्यूज हो सकता है आपके किसी दोस्त या किसी पर्सन के लिए वो कोई मायने ना हो, उसके लिए कुछ और वैल्यूज हो। तो मतलब साधन मूल्य समय टू समय बदलते रहते हैं। अब आते हैं साध्य मूल्य में, यह अंतिम रूप से साध्य होते हैं,
इन्हें आंतरिक मूल्य भी कहते हैं, यह स्थायी एवं शाश्वत है। दोस्तों ये ऐसे मूल्य हैं, साधन मूल्य, जो कभी बदलते नहीं है, समय और परिस्थिति में कभी नहीं बदलेंगे। वो आपको बचपन में भी वो चाहिए, अभी भी चाहिए और आगे भी चाहिए, मतलब वो साध्य मूल्य है, जैसे कि सत्य, प्रेम, सम्मान, बोनम। अब प्रेम तो आपको बचपन में चाहिए, अभी भी चाहिए, शांति आपको अभी भी चाहिए, बचपन में चाहिए, और उसी के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। यही सत्य, प्रेम, सम्मान, बोनम, इसी की प्राप्ति में कहीं इंडायरेक्टली रूप से कहीं ना कहीं हम साधन मूल्य का यूज करते हैं। तो ये सारे आपके मूल के बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, मैं उसको बता दे रहा हूँ। ये 2013 का क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन है। कुछ लोगों का मानना है कि मूल्य समय और परिस्थिति के साथ साथ बदलते रहते हैं, जबकि अन्य दृढ़ता से मानते हैं कि कुछ मानवीय मूल्य सर्वव्यापक है। इस संबंध में आपकी अपनी धारणा देकर समझाएं। दोस्तों सेम क्वेश्चन था ये, आपको यहाँ पर मूल्य को डिफाइन करना है, इसके अलावा आपको बताना है कि कौन से मूल्य हैं जो समय के अनुसार बदलते हैं और कौन से मूल्य हैं जो समय के अनुसार नहीं बदलते आते हैं। आपको एक एग्जाम्पल देकर या धार तर्क देकर समझाना था, जस्ट हमें इसी चीज़ को यहाँ पर इसको डिफाइन करना था, इसी को लिखना था हमें। आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे हम लोग। दोस्तों आगे आपका है कि मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका। हाँ, यूपीएससी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली से क्वेश्चन आता है, नहीं तो हम लोग इसका यूज और भी जगह कर सकते हैं, सोसाइटी को सुधारने में या किसी संदर्भ में कर सकते हैं। जैसे कि परिवार की क्या भूमिका आते हैं, पहला स्कूल, सामाजिक गुणों का विकास, बोलना, सद्भावना, संवेदना इत्यादि, सहिष्णुता, सहानुभूति, प्रेम, ये सारे हम अपने परिवार से ही सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं इन वैल्यूज के डेवलपमेंट में हमारी फैमिली, हमारे परिवार की काफ़ी भूमिका होती है। सेकंड आते हैं दोस्तों मूल्यों के विकास में शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। तो शैक्षणिक संस्थाओं से हम सामाजिक कुशलता, अनुशासन, ईमानदारी जैसे व्यक्तिगत मूल्य, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक मूल्य, शैक्षणिक व वैधिक बौद्धिक मूल्य, आदर सम्मान इत्यादि हम लोग शैक्षणिक संस्थाओं से सीखते हैं। तो इन मूल्यों के विकास में हमारे शैक्षणिक संस्थाओं की अहम भूमिका होती है। दोस्तों अभी हाल ही में एक गृह मंत्रालय द्वारा योजना चलाई गई है, स्टूडेंट पुलिस कैडेट। इसमें बच्चों को स्कूल लेवल पर 8 to 12th क्लास के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे वो अपने अंदर वैल्यूज का, मूल्यों का विकास करें, राष्ट्र हित में काम करें। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि मूल्यों के विकास में शैक्षणिक संस्थाओं की काफ़ी भूमिका है। अब आगे 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 आते हैं दोस्तों समाज की भूमिका। तो सांस्कृतिक मूल्यों के विकास में सामाजिक मूल्यों जैसे कि बंधुता, एकता, प्रेम, भाईचारा, न्याय का विकास इत्यादि, स्वतंत्रता एवं राजनीतिक मूल्यों का विकास, राष्ट्रीय मूल्यों का विकास, ये हमारी सोसाइटी की भूमिका है। ये जनरल है दोस्तों, आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट आप दिमाग में रखिए जिससे कि आपको आंसर लिखने में दिक्कत ना हो। जैसे कि ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ये था कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि किसी राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाला बनाना है तो उसमें समाज के तीन प्रमुख लोग अंतर ला सकते हैं, वे हैं माता पिता एवं शिक्षक। ये 17 का क्वेश्चन है, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट है। तो कहीं ना कहीं जो अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट है, ये मूल्यों के विकास में ही परिवार, शैक्षणिक संस्थान और समाज की भूमिका को संदर्भित कर रहे हैं। तो हमें इसके आंसर लिखते समय पहले तो हम ये बताएंगे कि मूल्य है क्या, इसके बाद परिवार की क्या भूमिका है, शैक्षणिक संस्थानों की क्या भूमिका मूल्य विकास में, और उस तरह दिखाएं किस तरह से माता पिता एवं शिक्षक मूल्यों के विकास में अपना योगदान देते हैं। और जब जब पर्सन के अंदर मूल्य का विकास हो जाएगा तो भ्रष्टाचार, सुंदर मनोलो अपने आप हो जाएगा वो। तो हमको इसी तरह से उसको आंसर को सॉल्व करना था, इनडायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन था वो। आगे थे दोस्तों, आगे आपका है कि मूल्य ह्रास के कारण। तो मूल्य ह्रास के कारण में सबसे पहला है कि व्यक्ति के आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति, लोग राष्ट्रीय हित को ना सोचकर स्वयं के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति, मीडिया, राजनीति का गिरता स्तर, मीडिया में उन चीज़ों को दिखाया जाता है जिससे उनको ज़्यादा TRP मिले, उन चीज़ों को नहीं दिखाया जाता है जिससे कि लोगों में वैल्यू का विकास हो, ज़्यादातर केस में होता है ऐसा। तो इस तरह से इसकी भी भूमिका है, संस्थाओं, खासकर शैक्षणिक संस्थाओं का गिरता स्तर, यह सब आज के दौर में मूल्य ह्रास के कारण है कहीं ना कहीं। अब आते हैं दोस्तों समाधान के उपाय में। तो दोस्तों जो अब समाधान के उपाय में बस वही चीज़ है कि परिवार, मीडिया, स्कूल, राजनेता इत्यादि की भूमिका सकारात्मक हो। जैसे कि परिवार अपने स्तर पर अच्छा प्रयास करे ये सारे मूल्यों को विकसित करने में, मूल शैक्षणिक संस्थानों की भी पॉजिटिव भूमिका होनी चाहिए और सोसाइटी के भी साथ में, ये मीडिया है, राजनीति है, राजनीतिक संस्थाएँ हैं, इसके बाद शैक्षणिक संस्थाएँ हैं, ये सारे कहीं ना कहीं मूल्य को विकास में सकारात्मक भूमिका दे, तभी जाकर जो मूल्य ह्रास जो गिर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे होंगे।
तो दोस्तों ये सारे मैंने टॉपिक जो थे सिलेबस के यूनिट वन के मैंने वो करा दिया। अब कुछ स्पेशल टर्मोलॉजी है, क्योंकि यूपीएससी टर्मोलॉजी से क्वेश्चन देते ही देते हैं और इंडिविजुअल भी देते हैं, नहीं तो उनका यूज कहीं ना कहीं हो जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों है विवेक। तो विवेक क्या है कि व्यक्ति की वह योग्यता जिसमें वह नैतिकता का उचित समय पर उचित उपयोग कर सही निर्णय ले, वही उस व्यक्ति का विवेक है। आगे दोस्तों विवेक का संकट, तो जब दो समान मूल्य वाले स्थिति में किसी एक पर निर्णय देना हो तो वह विवेक का संकट। आपके सामने दो स्थिति है और दोनों के समान मूल्य है और किसी एक पर डिसीजन लेना है आपको, तो कहने के धर्म संकट है, तो वही आपके तरफ से विवेक का संकट है। आगे दोस्तों आपका संकल्प का स्वतंत्रता, बिना किसी बाह्य दबाव के अपने इच्छा के अनुसार कार्य करने या ना करने की स्वतंत्रता ही संकल्प का स्वतंत्रता। मतलब जो करना चाह रहे हैं उस पर कोई तरह का बाह्य दबाव नहीं है, आप अपनी इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे स्वतंत्र संकल्प की स्वतंत्रता। आज प्रशासन में काफ़ी इसका यूज है, क्योंकि प्रशासन में कहीं ना कहीं बाह्य दबाव काफ़ी होता है और हमारे डिसीजन को प्रभावित करता है, तो ऐसे में संकल्प की स्वतंत्रता काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के सिविल सेवा में। अब आते हैं अंतःप्रज्ञावाद। तो मनुष्य की ऐसी अवस्था जिसमें कर्मों या नियमों का सही या गलत का साक्षात ज्ञान हो जाता है जो तर्क पर आधारित नहीं होता, उसे हम बोलते हैं अंतःप्रज्ञावाद। जस्ट लाइक आत्मज्ञान की बात बोल रहा है कि ऐसी स्थिति जब हमें बिना तर्क के हमें अनुभव हो जाए कि कौन सा कर्म सही है गलत है, वो हमारी अंतःप्रज्ञावाद है। अब दोस्तों आगे सुखवाद। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें नीति शास्त्र का निर्धारण में सुख तत्व पर विशेष बल दिया जाता है, अर्थात जो कर्म जितना सुख देने वाला है वह उतना ही नैतिक होगा। यह सुखवाद का कॉन्सेप्ट है। आगे दोस्तों सुखवाद दो तरह के हैं, एक आपका है राष्ट्रवादी स्वार्थवादी सुखवाद और दूसरा है उपभोक्तावादी सुखवाद। तो स्वार्थवादी सुखवाद में दोस्तों है कि यह आत्म केंद्रित है जो व्यक्तिगत लाभ पर बल देता है, मतलब दूसरों को लाभ हो या ना हो बस अपना लाभ होना चाहिए, वो है आपका स्वार्थवादी सुखवाद। दूसरा है दोस्तों कि यह उस सुख पर बल देता है जिसमें स्वयं के साथ साथ अधिकतम व्यक्ति का कल्याण हो, मतलब अपना लाभ तो देखता है लेकिन इसके साथ साथ उस लाभ पर जोड़ देता है जिसके साथ आपके साथ साथ पूरे राष्ट्र समाज को लाभ हो, उसको हम लोग बोलते हैं उपयोगितावादी सुखवाद। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों जो पहले यूपीएससी पूछ चुका है। तो एक क्वेश्चन था दोस्तों कि विवेक के संकट से आप क्या समझते हैं? अपने जीवन की एक घटना बताइए जब आपका ऐसे संकट से सामना हुआ हो और आपका उसने कैसे समाधान किया। तो दोस्तों पहले तो हम इसे विवेक का संकट को डिफाइन कर देंगे, विवेक का संकट है क्या। उसके बाद आप अपने जीवन से जुड़ा कोई भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई भी जिसे धर्म संकट पड़े हो, सिंपल एग्जाम्पल दीजिएगा। आप दे सकते हैं कि मैं बाजार में सब्जी लेने गया और वो सब्जी वाला मुझसे पैसा लेना भूल गया, मैं घर आया मुझे पैसे की जरूरत थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं उसे पैसा रिटर्न कर दूं या मैं पैसा अपने पास रख लूं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर लालच भी था और एक नैतिकता भी थी, तो वहां पर आप कहीं ना कहीं धर्म संकट में पड़े हुए थे, तो वहां पर आपने क्या डिसीजन लिया। इस तरह से आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे सकते हैं जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ हो। जैसे यूपीएससी ने किस स्टडी में क्वेश्चन पूछा था, एक कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और अचानक आपके किसी रिलेटिव का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके तत्काल मदद की आवश्यकता होती है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आप अपने रिलेटिव को बचाएंगे या आप अपने इंटरव्यू देने जाएंगे। तो वहां पर कहीं ना कहीं धर्म संकट की स्थिति, विवेक का संकट है, आपका करियर भी एक और है और दूसरी ओर किसी व्यक्ति का पर्सन भी है। तो ऐसे एग्जाम्पल हम लोग कॉमन एग्जाम्पल दे सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट है दोस्तों एक क्वेश्चन आया था आपका 2014 में, सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं, क्या आप सहमत हैं? आपके लिए सुख का क्या अर्थ है? उदाहरण प्रस्तुत करें। तो सबसे पहले दोस्तों हम सुख को डिफाइन कर देंगे। इसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप सहमत हैं, तो आप यहाँ बोलिएगा जी हाँ दोस्तों सभी सुख की आकांक्षा करते हैं, लेकिन ये पूछेगा कि आपके लिए सुख का क्या अर्थ है। दोस्तों यहाँ पर हमें उपयोगितावादी सुखवाद को दर्शाना है कि मेरे नज़र में सुख का वह अर्थ है जो मेरे साथ साथ अधिकतम व्यक्ति का कल्याण हो। जैसे आप एग्जाम्पल दे दीजिएगा कि जैसे मैं सिविल सेवा में जाना चाहता हूँ, तो सिविल सेवा में जाने से मेरा व्यक्तिगत लाभ तो है ही, लेकिन इस पद पे जाकर मैं जो भी सरकारी योजना है उसको मैं इंप्लीमेंट करूंगा, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण होगा, तो कहीं ना कहीं इससे दूसरों का कल्याण में पूरा राष्ट्र का कल्याण जुड़ा हुआ है, तो इस अर्थ में मेरा सुख इसी अर्थ में है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे कुछ प्रीवियस ईयर पेपर थे दोस्तों, और इस तरह से आपका यूनिट वन समाप्त हुआ। अगले अगले लेक्चर में मैं यूनिट टू अभिवृत्ति को शुरुआत करूंगा। थैंक यू दोस्तों।